तो अगर थंबनेल देख के यहाँ तक आई गए तो वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि ये कोई क्लिक बेट नहीं है। मैं बिल्कुल तुम्हें हेल्प करूँगा जो तुमने थंबनेल में देखा है या जो टाइटल में देखा है उससे रिलेटेड, कि क्या ये स्मार्टफोन तुम्हें परचेज करना चाहिए कि नहीं, और कौन वो लोग हैं जिन्हें ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। पर उससे पहले हेलो नमस्कार जय श्री राम जय जिनेंद्र सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव लैब्स में, एक ऐसा चैनल जहाँ मेरा एम है टू मेक योर टेक चॉइसेस बेटर। सो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू लैब के अंदर, और आज के एपिसोड में बिल्कुल हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5 को, या सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, जो भी आप कहना चाहें उसे। और स्पेशल थैंक्स टू शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने मुझे ये स्मार्टफोन प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि ये नागपुर रोड पे एक स्टोर है जहाँ पे आपको हर चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो हो होम अप्लायंसेज, चाहे वो हो एसेसरीज, चाहे स्मार्टफोन्स, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इनके और भी वेंचर्स हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं या इन्हें कॉल करके अपना प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, स्मार्टफोन की, तो कुछ महीनों पहले ये लॉन्च हुआ था, अभी चल रहा है दिसंबर 2023, और इसी के साथ जो है काफ़ी सारे फोल्डिंग फोन्स या फ्लिप फोन्स जो है लॉन्च हुए हैं। पर इस पर्टिकुलर डिवाइस को मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे। पर उससे पहले ये जो बॉक्स है ये हम लोग वैसे तो ओपन कर चुके हैं, बट एक फ्रेश एक्सपीरियंस के लिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ बॉक्स। तो बॉक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5 की ब्रांडिंग, आजू बाजू कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, सिंपल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो चलो फटाफट करते हैं इसे अनबॉक्स। मैंने इसे दोबारा टेप से चिपका लिया था यार, ताकि थोड़ा सा लगना तो चाहिए कि अनबॉक्सिंग चल रही है, और मुझे अपना जो ये नाइफ है वो भी फ्लैश करना था। तो चलो इसे रखते हैं साइड में और करते हैं बॉक्स को ओपन। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 5 या जी फोल्ड 5, इसे मैं रखता हूँ साइड में। यहाँ आता है आपका फ़ोन इस तरीके से पैक्ड। तो बात करूँ अगर पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में, सो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती हैं, माइनर ट्वीक्स हैं, बट ठीक है, मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल, कोई भी चार्जर यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया, और साथ ही साथ कुछ पेपर वर्क। तो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी काम के ये हैं, आप लोगों के लिए होंगे पर मेरे लिए अभी कुछ काम के नहीं है, मैं इसे रखता हूँ साइड में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फोल्ड 4 और फोल्ड 5 में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही तरीके से इसे रख देता हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो ये है फोल्ड 4 और ये है फोल्ड 5। तो फोल्ड 4 की अगर मैं बात करूँ तो वेट जो था इसका था 263 ग्राम्स, पर फोल्ड 5 का जो वेट है वो थोड़ा कम होकर 256 ग्राम्स हो गया है। तो इतना कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट वेट भी जो है मैटर करता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ गैप की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ हल्का सा गैप आपको देखने को मिलता है। बट अगर मैं फोल्ड 5 की बात करूँ तो कंपनी क्लेम कर रही है कि बहुत ही नेग्लिजिबल गैप यहाँ आपको देखने को मिलेगा फोल्ड 5 में। साथ ही साथ यहाँ पे आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फोल्ड 4 और फोल्ड 5 में कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसे मैं रखता हूँ साइड में और हम लोग बात करते हैं फोल्ड 5 के बारे में। सो फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इनर डिस्प्ले की। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो तो 7.6 इंचेस का QXVGA FHD++ डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलता है डायनेमिक एमोलेड 2X के साथ, और 1300 से जो है 1750 निट्स की ये ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी फोल्डिंग फोन में सबसे ज़्यादा है अभी तक। और रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूँ तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें यहाँ देखने को मिलता है। बात करूँ अगर मैं आउटर डिस्प्ले की तो 6.2 इंचेस का HD+ डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलता है, 1 से 48 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यहाँ प्रोवाइड करता है, और कंपनी का क्लेम है कि जैसा कि ये फोल्डिंग फ़ोन है तो 200,000 फोल्ड्स तक के जो है यहाँ पे ये हिंज जो फ्लैक्स हिंज है ये आपको सपोर्ट करेगा फोल्ड्स को। तो अगर आप एक दिन में 100 अगर करते हो फोल्ड, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो 100 बार इस तरीके से, सो आपको पूरे 7 साल लगेंगे इसे 200,000 फोल्ड्स जो है यूज़ करने में। बात करें अगर बैक साइड की तो यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो बीच वाला कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, मेन कैमरा जो ऊपर वाला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो नीचे कैमरा है वो है आपका 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो कि 3x जूम प्रोवाइड करता है। मेन कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे F1.8 अपर्चर आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो ये प्रोफेशनल कैमरा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसका मैंने अलग से जो 60,000 का लेंस परचेज किया है उसके जितना यहाँ पे अपर्चर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ड्यूअल पिक्सल PDAF यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, नॉट फेस फेस PHASE फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो पिक्सल से रिलेटेड ये टर्म है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कैमरा जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और F2.2 अपर्चर यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे कोई OIS का सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बात करूँ अगर मैं 10 मेगापिक्सल के नीचे वाले जो टेलीफोटो लेंस है उसकी, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, और F2.4 अपर्चर यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो बोके इफेक्ट है वो यहाँ काफ़ी अच्छा आपको इस फोन में देखने को मिलता है।
एक छोटा सा फ्लैश दिया हुआ है, और पीछे और सामने की साइड बात करूँ तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो जैसा कि हम लोग कैमरा की बात यहाँ कर ही चुके हैं, मैं इतनी तारीफें कर ही चुका हूँ, तो मैं कुछ आपको जो है यहाँ पे फुटेज जो है शो कर रहा हूँ, तो आप इसे एंजॉय करो। और अगर आप ओरिजिनल रेजोल्यूशन में इन पिक्चर्स को या वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे गूगल ड्राइव का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। फोन के राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक लॉक अनलॉक बटन भी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिम ट्रे भी यहाँ देखने को मिलती है। और उसके अलावा अगर टॉप साइड पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं और एक स्पीकर दिया हुआ है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। नीचे की साइड भी एक स्पीकर और टाइप सी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जो कि चार्जिंग के लिए प्लस स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ आती है। और यहाँ पे भी एक प्राइमरी माइक्रोफोन आपको देखने को मिलता है। बात करूँ अगर मैं लेफ्ट साइड की, तो सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ ये जो है हिंज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आपका डिवाइस फोल्ड और अनफोल्ड होता है। और यहाँ पे फ्लैक्स हिंज जो है ये दिया हुआ है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस डिवाइस को आप अनफोल्डेड वे में रखते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि एकदम स्ट्रेट जो है, अब पिछले मॉडल्स के या पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में ये एकदम स्ट्रेट रहने वाला है। और जो क्रीज है वो भी थोड़ी सी नेग्लिजिबल है अगर आप देख पा रहे हो तो। सो मैं साइड बाय साइड दोनों स्मार्टफोन्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 और ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5। तो क्रीज में आप लोग डिफ्रेंसेज जो है देख सकते हो, यहाँ पे इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट कंपनी जो है वर्क कर रही है उसके ऊपर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का जो है प्रोसेसर आपको यहाँ देखने को मिलता है। GPU की अगर बात करें तो एड्रीनो 740 GPU यहाँ देखने को मिलता है, मतलब गेमिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। तो जैसा कि प्रोसेसर भी इतना अच्छा है और GPU भी इतना अच्छा है, तो जो वेपर कूलिंग चैम्बर है वो भी 40% तक जो है कंपनी ने इंक्रीज़ किया है, ताकि गेमिंग आपकी जो है बहुत अच्छे से इस फोन में हो पाए। और हीटिंग इश्यूज़ तो खैर आते ही नहीं है, वो थे एक्सिनॉस में, बट अब यहाँ जैसा कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, तो हीटिंग इश्यूज़ इस फोन में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मेमोरी की हम लोग इस फोन में बात करें तो 12GB की LDDR5 RAM आपको देखने को मिलती है, जो कि स्पीड प्रोवाइड करती है 3200 MHz की। मेरा जो सिस्टम है, जो हाई एंड PC मैंने बनाया हुआ है, उसमें DDR4 RAM लगी हुई है, वो भी 3400 MHz की स्पीड प्रोवाइड करती है। तो एडिटिंग और जो आपकी गेमिंग है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है इस फोन में। बात करूँ अगर मैं स्टोरेज वेरियंट्स की, तो 256, 512 और 1TB में जो है ये आपको यहाँ पे चॉइसेस मिलेंगी। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1,55,000 से 1,85,000 तक ये आएगा। उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा कि किस तरीके से आपको ये फ़ोन चूज़ करना है। तो जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब 256GB का जो वेरियंट था उसी प्राइस पे आपको 512GB जो है वेरियंट देखने को मिलता था। आज चल रहा है दिसंबर 2023, तो आप जाके जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। सैमसंग शॉप और अमेजोन की दोनों की लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब ये लोग जो चालाक बन रहे थे ना कि लास्ट में प्राइस देखता हूं जाके, तो वो भाई प्राइस मैं यही बता चुका हूं। तो बहुत सारी चीज़ें अब आगे के एपिसोड्स में भी ऐसी होंगी कि पूरा एपिसोड आपको देखना ही पड़ेगा, बहुत सारी जो काम की चीज़ें हैं वो आप स्किप नहीं कर सकते बीच में। और टाइम स्टैम्प्स भी मैं डालता था बीच में, तो लोग टाइम स्टैम्प्स देख लेते थे, बट यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं के टाइम स्टैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। बात करूँ अगर बैटरी की, तो फोल्ड 4 और फोल्ड 5 दोनों में ही सेम 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है वो फोल्ड 5 में अच्छा दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ देखने को मिलेगा इसमें। और फोल्ड 4 की अगर मैं बात करूँ तो फैब से मैं जो है फोल्ड 4 यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टिल यार बहुत अच्छा बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करता है। एक चार्ज में हैवी यूजेज के साथ भी अराउंड 1.5 दिन जो है फोल्ड 4 चल जाता है। तो फोल्ड 5 जो कंपनी ने भाई इतने अच्छे से बनाया है, तो
तुम समझ ही सकते हो कि ये फ़ोन कितना अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। चार्जिंग की अगर हम लोग बात करें तो 45 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है थ्रू वायर, और 15 और 25 वाट की जो है नॉर्मल और फास्ट चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो IPX8 रेटिंग का जो है वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बारिश वगैरह में इसे यूज़ कर रहे हो, कुछ स्प्लैश आ रहे हैं फ़ोन पे, तो आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। पानी में इस फ़ोन को नहीं डुबाना है भाई, ख़राब हो जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो वाटर प्रूफ ये फ़ोन नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर मैं इनिशियल बात करूँ तो यहाँ पे 1 UI 5.1.1 आपको देखने को मिलता है, बट जो नया वेरिएंट है इसका, नया वर्जन है 1 UI 6, वो भी आ चुका है। तो एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, और एंड्रॉइड 14 के साथ भाई ये फ़ोन बहुत ही शानदार हो चुका है। मेरा जो फ़ोन है उसमें अभी एंड्रॉइड 14 ही मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ बहुत बड़े चेंजेस इसमें हुए हैं। सो उसके लिए अगर आप एक अलग से वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताओ, तो हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात यह है कि डेक्स मोड का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो फ़ोन है ना, ये एक आपके हाथ में हैंड हेल्ड कंप्यूटर ही है, तो जब भी आप इसे कनेक्ट करोगे अपने PC से Type-C to Type-C केबल के थ्रू या Type-C to HDMI केबल के थ्रू, तो आपको एक डेक्स मोड करके ऑप्शन मिलता है जो कि PC लाइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो ये जो डेक्स मोड वाली चीज़ है ना, ये सैमसंग को दूसरी कंपनी से जो है स्टैंड आउट करती है, और सैमसंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गुड लॉक हो गया और भी सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स हो गए जो आपको बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई आई चूज सैमसंग ओवर OnePlus ओपन और जो भी अदर फोल्डिंग डिवाइसेज अभी मार्केट में आ रहे हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 5G Wi-Fi 6G ब्लूटूथ जो है 5.3 जो कि लेटेस्ट है, ड्यूअल 4G वोल्टी और NFC का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में प्रोवाइड हो रहा है, तो जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस है वो भी काफ़ी वाइड हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूअल 4G वोल्टी के सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है, तो eSIM तो ये सपोर्ट करेगा ही, साथ ही साथ जैसा कि फोल्ड 4 में सिर्फ सिंगल सिम ही हमें देखने को मिलती थी, यहाँ पे जो आपको है ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सिम स्लॉट निकाल लिया है, और ड्यूअल सिम स्लॉट ये है, यहाँ कोई मेमोरी का सपोर्ट नहीं है, तो मेमोरी आप इसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते। मेमोरी के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जैसे मैंने बताया 256, 512 और 1 TB वेरिएंट में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। पर कंपनी ने इस बार ये एक अच्छी चीज़ की है कि ड्यूअल सिम सपोर्ट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है इस फोल्ड 5 में। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस तो मैं आपको बीच में बता ही चुका हूँ, जिन्होंने स्किप करके ये लास्ट में आ गए हैं वीडियो में, तो भाई बीच में तो मैं ये वीडियो देखना पड़ेगा। अब वो चीज़ हम लोगों ने खत्म कर दी है कि लास्ट में तो मैं प्राइस में बता दूँ और ये बता दूँ कि क्या ये फ़ोन तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं, वो भी मैं बीच में वैसे बता ही चुका हूँ। पर अगर मैं एक कंक्लूजन की बात करूँ तो ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं या डिज़ाइनिंग के लिए अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस या फीचर्स ये फ़ोन आपको देता है इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो बिल्कुल ये खरा उतरता है भाई, इतने सारे फीचर्स, अगर इतने लोग वर्क कर रहे हैं इस फ़ोन पे, इस एक फ़ोन पे काफ़ी सारे लोगों की जो है मेहनत होती है, तो ये फ़ोन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोडक्टिविटी के लिए इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, और आपको एक कॉम्पैक्ट सी चीज़ चाहिए, आपके हाथ में कॉम्पैक्ट गैजेट चाहिए जिसपे आप सारी चीज़ें कर सको ऑन द गो, उसके लिए वैसे कंप्यूटर्स तो है ही, लैपटॉप चाहिए, बट अगर आपको ऑन द गो कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए ये डिवाइस जो है सबसे बेस्ट है। आपको अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी भी टाइप का लैग, मैं फोल्ड 4 अभी यूज़ कर रहा हूँ पर मुझे किसी भी टाइप का लैग वगैरह अभी तक इस फ़ोन में देखने को नहीं मिला, एंड आई एम हेल्थ सेटिस्फाइड विद द फोन। बस एक प्रॉब्लम मुझे लगती है इसके जो फोल्डिंग मैकेनिज्म या हिंज मैकेनिज्म को लेके, तो खैर अभी तक तो मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो ये बिल्कुल खरा उतरता है भाई आपकी उम्मीदों पे। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 कलर ऑप्शंस आते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और प्राइस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। प्राइस मैंने अभी डिस्कस करना अपने एपिसोड्स में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आज मैं कोई प्राइस बताऊं और कल को वो प्राइस चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको मैं बस इतना बता सकता हूं कि 150,000 to 180,000 में इसके वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये जो 150,000 मिनिमम है और 180,000 जो मैक्सिमम प्राइस मैंने बताया, ये प्राइस ब्रैकेट भी चेंज हो सकता है। तो आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप नागपुर के आसपास कहीं रहते हो तो शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो होम अप्लायंसेस, गैजेट, स्मार्टफोन्स या एसेसरीज लेने के लिए। सो यहाँ ये सारी बातें हो गई है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 के बारे में। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एपिसोड को, चैनल कर लेना सब्सक्राइब अगर आप नए हो चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले एपिसोड के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलना, उसे ही बताना भाई गिव अवे के बारे में जो पल्स 3D का गिव अवे हो रहा है। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए एडवांस में, और इसी के साथ मैं हूँ प्रिंस, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।